कुरुक्षेत्र के कस्बा बवैन में बदमाशों के हौसले बुलंद। एक युवक जिसका नाम है कोमलजीत, जिस पर फायरिंग की गई है। फायरिंग में कोमलजीत की टांग में गोली लगी है। कोमलजीत को पहले लाड़वा सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने मरीज की हालत गंभीर देखते हुए कुरुक्षेत्र के INJP हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। लेकिन जब कोमलजीत सिंह के पिता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बवैन के रहने वाले लोग हैं जिन्होंने गोलियां चलाई हैं। वह लोग शराब माफिया बताए जा रहे हैं। पहले भी इनका पुराना झगड़ा भी बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। जी, क्या मामला था जो गोली लगी है? गोली लगी जी, रात काम से आ रहा था, काम ले उठा के लड़का, तो अंग्रेज मिला इसको, बोला कि बलकार और को काम से हटा दो, भी उनको नहीं लेके जाया करो और ना ही उनके साथ रहा करो। अच्छा जी, तो ये लड़का बोला कि वो तो मेरे चाचे हैं, मैं उनके साथ भी रहूँगा और उनको काम पे भी लेके जाना पड़ेगा। तो कहता फिर नहीं मानता, कहता भी मानने के क्या, इसमें तो कोई बात ही नहीं है मानने वाली। कहता फिर तेरा भी गोली मार देंगे, उनको तो लगे लगेगी, बाकी अपना तेरे को गोली मार देंगे। सवेरे दिन नहीं निकला, 8:30-8:30 काम कर दिया उन्होंने। उसके ठेके पर से चार आदमी निकले हैं, चार गोलियां चलाई उन्होंने, तीन तो मिस हो चली, लगी नहीं इसको, चौथी गोली इसके कुल्ले पे लगी। तो क्या पुलिस मौके पर आ गई थी? पुलिस मौके पे नहीं आई। जब रिपोर्ट दे के आए हैं फिर आई है, मौके पे नहीं, रास्ते में हमारे को मिली है, हम चले गए हॉस्पिटल में बवैन। तो यहाँ आप हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में लेके आए हो, क्या यहाँ पुलिस आई है? पुलिस अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो आई नहीं। लाड़वे आई थी पुलिस, लाड़वे लेके गए ना साडा पीछा, उन्होंने फिर पीछा कर लिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी गुलशन सिंह, जिसके साथ वारदात तो ये वो मेरा लड़का है कोमलजीत सिंह। हमारे पास अभी एक पेशेंट आया है कोमलजीत, जो कि लगभग 25 साल का है, बवैन से अभी लाडवा हॉस्पिटल से रेफर हुआ है, और उसने बताया कि बवैन में उससे आज सुबह गोली लगी थी और उसकी टांग में गोली लगी है, हमने उसका इलाज शुरू कर दिया है, अभी एक्सरे होंगे तो फिर पता चलेगा। तो डॉक्टर साहब तबीयत कैसी है उसकी? पेशेंट स्टेबल है, अभी ब्लड प्रेशर भी और पेशेंट वैसे स्टेबल है। तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन? हाँ जी, पुलिस में इन्फॉर्मेशन चलेगी। पुलिस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, करीब 8:15 बजे सूचना मिली थी, इतना करके वहाँ ठेके के सामने गोली चल गई, जो तुरंत प्रभाव से वहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ से उसकी वो गैर को अस्पताल में पहुँचाया जी, अभी जांच चल रही है, जैसी जांच के अंदर कार्रवाई करेंगे करते हैं। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।